हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी देर के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बाइसाइकिल है और इसके अंदर हम फिट करने वाले हैं इंजन, वो भी 100cc का मोटराइज्ड बाइसाइकिल इंजन हम इसमें फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे बाइसाइकिल में हम इंजन फिट कर सकते हैं और देखेंगे कि कितनी इसकी स्पीड बनती है, कैसे ये चलेगा। साइकिल आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये होता है मोटराइज्ड बाइसाइकिल का इंजन। तो इसे हम यहाँ पर फिट करेंगे ऐसे और देखते हैं कि कैसे हमारा बाइसाइकिल चलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम सारा कुछ करेंगे। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा इंजन और ये इसका टैंक है। पहले हम इसका ये बैक वाला व्हील खोल लेते हैं और इसमें हम फिट करेंगे बैक स्प्रॉकेट, तो वो मैं आपको फिट कर दिखाता हूँ। 3, 2, 1 फ्रेंड्स, ये जो आप स्प्रॉकेट देख रहे हैं ये हमें किट के साथ ही मिलता है। सारी एक्सेसरीज हमें एक ही किट में मिलती हैं और किट का जो प्राइस है वो है $150 से लेकर $250 तक। और ये वेरी करता है, 80cc की भी आती है ये इंजन किट और 100cc की भी आती है। और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो मर्जी किट परचेज कर सकते हैं। और ध्यान में रखना है कि जो ये स्प्रॉकेट हम लगा रहे हैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही हो, तो तभी ये हमारा बाइक अच्छे से चलेगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है थ्रोटल और इंजन को अब हम फिट कर लेते हैं इंजन की सारी एक्सेसरीज़ के साथ। और मैंने इसके अंदर रबड़ की जो साइकिल की ट्यूब है वो लगा दी है ताकि वाइब्रेशन है वो जो कम हो। तो आप देख सकते हैं नटों को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर चेन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है चेन टाइट करने के लिए जो कि इंजन के साथ ही मिलता है। और इग्निशन कॉयल भी हमें साथ में मिलती है, वो भी अब हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद प्लग को कर देते हैं यहाँ पर अटैच। और अभी जो ये साइलेंसर है इसे भी हम इंजन के साथ लगा देते हैं, ये हमें किट के साथ ही मिलता है सारा सामान। और इसे हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। आप देख लें कि जो आपके पैडल हैं वो फ्री हों, आप उन्हें अच्छे से पैडल कर सकें। और अभी हम ये क्लच की वायर यहाँ पर हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इसमें क्लच भी है। और जब हम क्लच दबाएंगे तो हमारा इंजन डिसएंगेज हो जाएगा। और अभी हमने टैंक भी लगा दिया दोस्तों और इसमें अब हम डालते हैं पेट्रोल। फ्रेंड्स, हमारा जो बाइक है वो रेडी हो चुका है और अभी हम आपको इसे चलाकर दिखाएंगे और स्पीड टेस्ट भी करके। फ्रेंड्स, ये स्पीड जो हम चेक कर रहे हैं ये विदाउट साइलेंसर कर रहे हैं क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। पहले ये मैंने पुराना इंजन लिया था तो मैंने इसका साइलेंसर खोलकर इसे स्टार्ट किया था, फिर ये स्टार्ट हो गया था। और अब मैं आपको पहले इसकी स्पीड अब विदाउट साइलेंसर ही दिखा देता हूँ, उसके बाद साइलेंसर लगाकर आपको बता दूंगा कि कितनी इसकी स्पीड है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और बढ़ते हैं अपने ट्रिप की ओर। और मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह लगा ली है। तो फ्रेंड्स, फ़ोन में मैंने स्पीडोमीटर ऐप डाउनलोड कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लाइव स्पीड टेस्ट देखना। यहाँ पे हम तेल को कर लेते हैं ऑन, एक कर लिया ऑन, चौक लगा कर ये स्टार्ट होता है। ये इसका क्लच है, यहाँ पर क्लच दबा कर इंजन हमारा डिसंगेज हो जाता है, वरना ये इंगेज ही रहता है। तो चलिए, साउंड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि साइलेंसर खोला हुआ है। और मैं यहाँ पर रोड पर जाकर ही इसे स्टार्ट करूँगा।
फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि साइलेंसर इंस्टॉल हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर साइलेंसर का जो मफर है वो निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये अभी भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो अगर आपका भी बाइक ऐसे है तो आप उसका मफर निकाल दें तो ये स्टार्ट हो जाए। आपको ये मोटराइज्ड बाइसाइकिल अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप भी ऐसा बाइसाइकिल खुद घर पर बना सकते हैं। और जो इसके ये इंजन है ये डिफरेंट प्राइजेस रेंज में आता है, 80cc 100cc। ये 100cc का है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बाइक की, स्पीड भी काफी अच्छी है। और जो अभी साइलेंसर का मफर मैंने निकाला हुआ है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं साइलेंसर पूरा लगाता हूँ जो कम्प्लीट आता है तो उसके साथ ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना इंजन, थोड़ा सा चलने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए जुगाड़ के साथ। फ्रेंड्स अभी आप बाइसाइकिल के थोड़े से शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।